So, इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे हैक्स लेके आया हूँ जिसे आप मेथड कहो या ट्रिक्स कहो टिप्स कहो जिससे कि यूएसबी आप फिक्स कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं एक यूएसबी को इंसर्ट किया हूँ, देख सकते हैं आप इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा है हमको। उसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है एंड इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिवर्सल सीरियल बस। सो आप यूनिवर्सल सीरियल बस को एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के बाद जो सभी आप यूएसबी लगा रहे होगे जिसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उनमें से यहाँ पे जैसे कि ये सार सही से काम कर रहा है तो इसे पे डॉट नहीं आ रहा है ब्लू, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एक यूएसबी है जिसमें कि पीला वाला डॉट आ रहा है, एरर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल पे क्लिक करोगे, अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप इसे नॉर्मली यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो या फिर आप उस डिवाइस को रिमूव करके दोबारा से भी इंसर्ट कर सकते हो। इस केस में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हो पाया है। नंबर 4th मेथड की तरफ चलते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ तक आना है। उसके बाद आपको यूएसबी को सिलेक्ट करना है एंड देन आप डबल टैप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्राइव वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। आप सर्च ऑटोमेटिक फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक कर सकते हो, बट इस केस में हम यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट्स पिक माई लिस्टेड डिवाइस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन शो करने लगता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली जेनरिक यूएसबी हब पे क्लिक करने वाले हैं। जेनरिक यूएसबी हब पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। जैसे आप इसको करते हो तो देख सकते हो ये इस तरह से सपोर्ट कर चुका है मेरे कंप्यूटर में। अब हम अगर आपको यहाँ पे दिखाए तो नॉर्मली देख सकते हो यहाँ पे ये यूएसबी रेडमी नोट 7 प्रो का फोन जो है मेरा यूएसबी सपोर्ट कर चुका है। एंड अब आपको अगर हम कंप्यूटर का दिस पीसी भी ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ये ड्राइव हम मेरा शो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ड्राइव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम वहाँ से एक्सेस नहीं दिए हुए मीडिया का। सो बेसिकली ये मेथड फॉलो कर सकते हो। सो ये दोनों मेथड को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका यूएसबी फिक्स नहीं हो पाया तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में बोनस मेथड बताने वाला हूँ जो आपका सुनना बहुत जरूरी है। सो इस थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पावर ऑप्शन शो करेगा, पावर ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लिप्स के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहाँ यूएसबी सेटिंग्स है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे है तो हम इसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूएसबी सेलेक्टिव सस्पेंडेड सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑन बैटरी और प्लग इन ये दोनों ही ऑप्शंस इनेबल्ड होंगे आपके पीसी में, तो आप दोनों को ही डिजेबल कर दीजिएगा। जैसे आप डिजेबल करोगे अप्लाई पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक करना एंड आप अब अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हो। ये मेथड को फॉलो करने से आपका सिस्टम जो है यूएसबी सपोर्ट करने लगेगा। सो ये थर्ड मेथड फॉलो करने के बाद भी अगर आपका यूएसबी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली एक बेसिक सा मेथड है किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स अगर आ रहे होंगे, अगर आप फेस कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो बेसिक सा मेथड है ये, सिस्टम को आपको अपडेट कर लेना है अगर अपडेट आप में शो कर रहा होगा तो। जैसे कि मेरे में भी सिस्टम रिस्टार्ट रिक्वायर्ड मांग रहा है, हमको इसको भी अपडेट करना है। अपडेट करने से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको हो सकता है कि आपका यूएसबी फिक्स हो जाए। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूँ, सो आप उसे देख ले। बोनस टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगा, कई बार क्या होता है ना कि आप कितने भी मेथड यूज कर लेते हो वो ठीक नहीं होता। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन होता है। उसके जो वायर होते हैं ना डैमेज हो जाते हैं, इसके कारण से नहीं होता। अगर आप ठीक हो तो आप पीछे कट करके सॉल्ट वर्ड मार करके देख सकते हो, वो रिपेयर हो जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन मार्केट देख सकते हो, ऑनलाइन मार्केट फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से जाके परचेज करते हो तो थोड़े से चैनल को भी सपोर्ट होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, देख लो चैनल।